बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां शिवराजपुर के सरैया गंगा घाट पर तीन बच्चे गंगा में डूबे। स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को बचाया और दो बच्चे डूबे। बता दें कि मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है। तीनों बच्चे शिवराजपुर कस्बे के वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं। शिवराजपुर एसओ पुलिस फोर्स के साथ सरैया गंगा घाट पहुंच चुके हैं। गोताखोरों की मदद से गंगा में जाल डालकर दो लापता बच्चों की तलाश शुरू की जा रही है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया गंगा घाट का ये मामला बताया जा रहा है और इस खबर की और अधिक जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे साथ मोहम्मद आफाक जुड़ चुके हैं। बताइए आफाक, क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? मैम, दरअसल 10 बजे की घटना हुई थी, जहां पे अरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत तीन युवक डूबे थे। तीन युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तीन युवक फिर से डूबे हैं, जिसमें एक बाहर निकाला गया है गोताखोरों के तरफ से, वहीं दो लोगों की तलाश जारी है। मैम, बड़ी बात तो यह है कि जिस घाट पर इतनी बड़ी घटना हुई है, बल्कि इससे भी बड़ी घटना हो चुकी है। कुछ दिन पहले 6 बच्चे इसी घाट में डूबकर मौत हुई थी। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन यहां पर किसी भी प्रकार की ना ही तो सुरक्षा मुहैया करा पा रही है और ना ही यहां पर किसी भी प्रकार की बैरिकेटिंग या यहां पर रस्सी वगैरह बंधवा रही है। और इससे बड़ी मैम, मैं आपको बात बता दूं कि ये बड़ी घटना है। यहाँ पर ना ही तो अभी तक कोई सांसद या जनप्रति विधायक यहाँ पर पहुंचा है। तलाश अभी भी जारी है आफाक जी? मैम, और कितना समय लग सकता है? शाम होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, क्या कुछ कहा जा रहा है गोताखोरों के द्वारा? गोताखोरों, वही थाना प्रभारी ने बताया है कि अभी यहाँ पे जो गोताखोर की टीम आती है वो अभी तक पहुँचने वाली है कुछ ही देर में। अभी पहुँची नहीं है गोताखोरों की टीम वहाँ पर? जी, अभी वहाँ पर गोताखोर की टीम नहीं पहुँची है और गाँव में कोहराम का माहौल इसमें इस तरह से मचा है कि गाँव के लोग आक्रोशित देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आफाक ये हम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल इस बड़ी और खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।